नमस्कार दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे तमाम साथी। आप सबको मालूम है कि मैं घुटने के बारे में ही ज़्यादा फोकस करके बातें करता हूँ, लेकिन एक चीज़ हमेशा बार बार मेरे मरीज और बाकी लोग भी पूछते रहते हैं कि सर, जो फिजियोथेरेपी है, जो एक्सरसाइज है आप बताते हैं, तो क्या हमें घर पे कर सकते हैं क्या, कि हमेशा हमको फिजियोथेरेपिस्ट के ही के पास जाके करना चाहिए? तो इस चीज़ का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कसरत मालूम होता है लेकिन कभी करता नहीं, तो आपके किसी यूज़ का नहीं, वो बेकार है। अगर अच्छा, दूसरा चीज़, अगर आप रेगुलर हो सकते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन कितना बार होता है जो प्रैक्टिकली बातें हैं कि लोग नहीं जा पाते हैं, स्किप करते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप घर पे भी जो मैं एक्सरसाइज बताया हूँ, अगर रेगुलरली और रिलीजियसली आप करें तो इसका बहुत बेनिफिट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाएं, क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइज 80% एक्सरसाइज ऐसे रहते हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, अगर अच्छे से आप समझ लिए उसको कैसे करना, कैसे नहीं करना, एकाएक नहीं करना, धीरे 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 शुरू करने का, धीरे धीरे बढ़ाने का। जब कष्ट आपको ज़्यादा है उस वक्त कसरत नहीं करना। ऐसा कोई भी कसरत जिसको करने से आपको घुटने में, चाहे कोई भी ज्वाइंट में, जब एक्सरसाइज करने का वक्त होता है तो उसको बचाना है। अगर आप इस बेसिक प्रिंसिपल को समझ रहे हैं और आप स्लो स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि होम बेस्ड एक्सरसाइज ज्यादा बेनिफिशियल है देन फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने से। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट ज्यादा ट्रेंड रहते हैं और वो चीजें, बहुत सारा चीजें हैं जो आप गलत ढंग से करते हैं तो उसको देख के उसको बता सकते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना एक चैलेंज रहता है, खास करके आप फिजियोथेरेपिस्ट के जाने के चक्कर में आपका एक्सरसाइज रुक जाता है और वो रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। लेकिन होम बेस्ड एक्सरसाइज का बेनिफिट ये है कि एक तो आपका कोई रोज का कोई खर्च नहीं पड़ता है, तो इससे और आप घर के कंफर्ट में रख कर सकते हैं, तो इसमें कंटिन्यूटी आप मेंटेन कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, तो उसका एक अलग बेनिफिट है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, तो मुझे लग रहा है कि होम बेस्ड फिजियोथेरेपी सबसे बेस्ट है। आप इसको समझिए, क्योंकि वहाँ पे आप रेगुलरिटी कर सकते हैं, आपको अपने आप में डिसिप्लिन, अगर आपको लगता है कि आप एक डिसिप्लिन आदमी हैं, आप खुद से गाइड होते हैं, आपको कोई पीछे से डंडा कटने वाला, कोई देखने वाला की जरूरत नहीं है, तो आप होम बेस्ड एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं चाहे जाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो हमको थोड़ा सपोर्ट्स भी करते हैं, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो ऐसे 80% एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं। कुछ कुछ एक्सरसाइज हैं जहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट की खास ज़रूरत रहती है, उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि आप होम बेस्ड फिजियोथेरेपी ही करिए और वो हमेशा बेनिफिशियल है, इस डाउट में नहीं रहिए। बहुत बार फिजियोथेरेपिस्ट आपको बोलेंगे कि नहीं, घर पे कसरत करने से दिक्कत है, लेकिन आप प्रिंसिपल को समझ रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं और इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का था तो आप हमारे चैनल पे जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, हमारे फेसबुक चैनल पे जाइए, वहाँ हमारे को फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपने उम्र के तमाम लोगों के पास शेयर भी करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।